अक्षय तृतीया आज 3 मई के दिन मंगलवार को है। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। अक्षय तृतीया को ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह तृतीया तिथि जिसका क्षय न हो। इस दिन प्राप्त किए गए पुण्य और फल का क्षय नहीं होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय तृतीया का महत्व माँ गंगा से भी जुड़ा है। इस तिथि को ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। क्या है माँ गंगा के अवतरण की कथा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कपिल मुनि के श्राप से महाराज सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। उन लोगों ने कपिल मुनि पर यज्ञ का घोड़ा चोरी करने का आरोप लगाया था। अब समस्या यह थी कि महाराज सागर के उन सभी पुत्रों का उद्धार कैसे हो। तब महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उनके उद्धार के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था। ब्रह्मदेव ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की बात कही। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गंगा का वेग अधिक है, क्या पृथ्वी उनके वेग और भार को सहन कर पाएगी। उनके वेग और भार को सहन करने की क्षमता सिर्फ भगवान शिव में है, तुम भगवान शिव को इसके लिए प्रसन्न करो। ब्रह्मदेव की आज्ञा पाकर भगीरथ ने अपने कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनसे अपनी जटाओं में माँ गंगा को अवतरित होने का वरदान मांगा। भगवान शिव मान गए। ब्रह्मा जी ने अपने कठमंडल से गंगा को शिव जी की जटाओं में छोड़ दिया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया, लेकिन गंगा जटाओं से बाहर निकल गई और शिव जी को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद ही माँ गंगा शंकर जी की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरित हुई और महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ।